हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नई वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, एक जो हाउसवाइफ होती है उसका ज़्यादातर समय अपने घर के छोटे बड़े कामों को करते हुए ही व्यतीत हो जाता है। तो उसकी ज़िंदगी का आधा समय ना, आधा से ज़्यादा समय अपने घर परिवार के लिए समर्पित होता है, और होना भी चाहिए क्योंकि यही उसका पहला कर्तव्य है। और घर को संजोने का हुनर सिर्फ जो है भगवान ने उसको ही दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में पता चला होगा कि मेरे घर में एक भी सब्ज़ी नहीं थी, तो बस जो है कल रात को ही जाके सब्ज़ी लेके आए हैं। और रात को ही मैंने इसको अच्छे से धो के और ऐसे जो है पूरे काउंटर टॉप में फैलाने रख दिया था सुखाने के लिए। तो सब्ज़ियाँ जब अच्छे से सूख जाती हैं ना, तभी जाके मैं इसको फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। और एक बारी में मैं एक हफ्ते की सब्ज़ी जो है इस तरीके से लेके आ जाती हूँ, फिर एक हफ्ते तक जो है टेंशन फ्री होके इन सब्ज़ियों का अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ। तो वही है, सब्जियों को अच्छे से धो के सुखा के और अलग अलग जो कपड़े की थैलियाँ आती है ना, उनमें मैं सब्जियों को रख देती हूँ। इससे क्या होता है, सब्जियाँ एक अलग अलग मतलब सेपरेट भी रहती हैं और मिक्स भी नहीं होती है। जो भी हमें निकालनी होती है वो थैली में निकालती हूँ और आराम से जो है बनाती हूँ। खास करके काम इतना आसान हो जाता है जब सब्जियों को धो के रखते हैं ना। तो जब भी हमें सब्ज़ी बनानी होती है, खास करके सुबह के टाइम पर, तो बहुत ही आसान हमारे लिए रहता है। निकालो और धोने का कोई झंझट नहीं रहता है और उसको सीधा जो है बना सकते हैं आप। तो इस तरीके से ना, एक हफ्ते भर के लिए मैं अपने कामों को इस तरीके से सब्जियों का धो के जो है आसान बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने खीरे भी जो है अच्छे से धोने रख दिए हैं, मतलब धो के और सुखाने के लिए रख दिए हैं। और इधर हरी मिर्ची की डंठल तोड़ के जो है, ये लगभग मेरी 15 से 20 दिन तक चल जाती हैं हरी मिर्ची। और आजकल तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि चटनी बना के खाओ, सलाद में भी खा सकते हो आप हरी मिर्ची। तो काफ़ी सारी मैं लेके रखती हूँ। और बस यहाँ पर मैंने सब्जियों का काम कम्प्लीट किया है और किचन को भी थोड़ा बहुत जो फैल गई थी थोड़ी सी साफ करके आ चुकी हूँ बाहर। तो इस तरीके से ना, एक हफ्ते भर के लिए मैं हो चुकी हूँ टेंशन फ्री। तो चलिए जी, अब जो है यहाँ पे कपड़े लेके आई मैं। आजकल जो गर्मियों का टाइम है तो 2 से 3 घंटे मुश्किल से इतना लगता है और कपड़े सूख जाते हैं। तो बस ज़्यादा देर उनको धूप में नहीं रखती हूँ, इनका कपड़ा जो है रंग जो है ना उड़ जाता है। तो बस लाके मैं यहाँ छोड़ दिया था मैंने। तो बस अब जो है इनकी भी तय मारूंगी अच्छे से। तो कपड़ों की ना तय अच्छे से मारेंगे ना, मतलब तय लगा के रखेंगे, तो आपको जो है जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं ना, उन पर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं सीधा करके और अच्छे से इनकी तय फोल्ड करके रख देती हूँ। तो बस इसको जो है ऐसे ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और प्रेस करने की ज़रूरत उनमें पड़ती है जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म हो गई और या फिर जो ऐसे इधर उधर मार्केट वगैरह जाना हो, वरना जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं ना उनमें इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इस तरीके से फोल्ड करके अच्छे से रख दो तो इतना ये काम आसान हो जाता है कि हर कपड़े को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए जी, शाम का वक्त है, हस्बैंड भी आ चुके हैं ड्यूटी से, तो सोचा चलिए जी ठंडी ठंडी जो है मैंगो शेक बनाते हैं। तो मैंगो भी लेके आए थे हम कल सब्जी के साथ, तो बस वही जो है मैंने यहाँ पे एक मैंगो का जो होता है ना पल्प वो निकाल दिया है। उसके बाद इसमें चीनी और काफ़ी सारी बर्फ़ की क्यूब्स जो है इसी के साथ मैंने ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास ना अभी ठंडा दूध नहीं है। अगर फ्रिज में रखा हुआ दूध होता तो मैं उसको उसके लिए जो है बर्फ़ नहीं डालती, वो उतना ही इनफ होता ठंडा। लेकिन जो है दूध इतना गर्म नहीं है क्योंकि मैंने जो है दिन में ही बॉयल, जब दूध आता है ना हमारा, तो बॉयल करके जो है जस्ट उसको अभी मुझे 15-20 मिनट ही हुए होंगे फ्रिज पर लगाए हुए, तो इतना ठंडा नहीं है। तो चलिए जी, बन गई है यहाँ पे ठंडी ठंडी मैंगो शेक। मैंगो शेक पीते हैं, आप भी आइए हमारे साथ और इन्जॉय कीजिए समर स्पेशल ड्रिंक। तो यहाँ पे हमने बहुत ही बढ़िया सा फैमिली टाइम स्पेंड किया है। तो वैसु नहीं पीती है मैंगो शेक, इसलिए उसके लिए नहीं बनाया है, वो मैंगो खा लेती है। तो अब मिल रही हूँ मैं यहाँ पे डिनर के बाद। तो आज डिनर में बनाया था हमने करेले और प्याज की सब्जी और साथ में बनाया था दही तड़का। तो बस जो है डिनर करने के बाद जो है मैं यहाँ पे, ये आज जो है ना मटका आ चुका है हमारा, जिसकी ख्वाहिश जो है हम सभी को कितने दिनों से थी कि कब आएगा, लेकिन फाइनली आज आ चुका है। और इसको मैं बताऊंगी, कुछ टिप्स दूंगी आपको कि किस तरीके से, मतलब कैसा जो मटका होता है जिसमें पानी ठंडा होता है और कैसे उसमें पानी जो है ठंडा रहे। यहाँ पे थोड़ी सी मौज मस्ती चल रही है, कुछ भी चीज़ आ जाए घर में तो यही होता है ना, सब इतने खुश हो जाते हैं। मतलब छोटी छोटी खुशियों में ही जो है खुश रहना चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ों में ही हम तो खुश हो जाते हैं भाई। तो चलिए जी, यहाँ पर ना सबसे पहले मैं इसको धो लूँगी।
तो अंदर से मैंने इसको 7-8 बारी जो है ऐसे ना धो दिया है। इसके अंदर से मिट्टी निकलती है शुरू शुरू में, तो हाथ नहीं डालना है इसके अंदर। तो जब मेरी दादी थी ना, जब हम छोटे थे तो हमें कभी भी घड़े या मटके के अंदर जो है हाथ नहीं डालने देती थी। तो वही है, पानी ठंडा नहीं होता है अगर हम इसमें हाथ डाल देते हैं। और कैसा मटका लेके आए कि पानी कैसे पता चलेगी कि पानी ठंडा होगा, तो डार्क कलर का जो मटका होता है ना, जैसे आप इसका देख रहे हैं, इसमें पानी बहुत ठंडा होता है। और एक जो लाल सा रंग का मिट्टी का आता है ना, उसमें पानी जो है कम ठंडा होता है, ये ध्यान रखिए। सुबह के लिए मैंने यहाँ पे इडली बना के तैयार कर दी है, तो बच्चों के लिए बनाऊंगी मैं फ्राइड इडली टिफ़िन के लिए। तो इजी है ये, रात को ही बना के रख दिया मैंने, काफ़ी अच्छी फुली फुली सी बनी है। थोड़ा सा ठंडा होगा तब मैं इनको निकालूंगी। चलो ऐसे थंबनेल की जगह तो चलिए जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मिल रही हूँ अब नेक्स्ट मॉर्निंग। और चलिए जी, बना लेते हैं बच्चों के लिए बढ़िया सा लंच बॉक्स रेसिपी। तो आपने देखा होगा रात को ही मैंने इडली बना के रख दी थी। तो बस जो है आप एक पैन ले लिया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है, थोड़ा सा राई के दाने डाले हैं, और कुछ प्याज और कुछ शिमला मिर्च, कुछ प्याज नहीं मतलब एक प्याज और आधी शिमला मिर्च मैंने इस तरीके से बारीक बारीक लंबी स्लाइस में काट ली है। वो मैंने थोड़ी सी जो है यहाँ पर सोते कर ली है, जो है जो आँच रखी है ना मैंने एकदम हाई रखी है। और साथ में अब मैं जो है इसमें कुछ मसाले डालूंगी, जैसे कि मैंने इसमें हल्का सा नमक डाला है, और साथ में डाली है चिली फ्लेक्स और ये सेजवान चटनी। जब सेजवान चटनी डाल लेते हैं ना, तो इसके साथ जो है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ में मैंने खूब सारी सॉस डाल दी है। आप चाहे तो ना इसको एकदम देसी स्टाइल में भी बना सकते हैं, जैसे कि अपने जो बेसिक मसाले होते हैं ना, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, वो भी डाल के आप इसी तरीके से बना सकते हैं। लेकिन बच्चों को ना इसी तरीके से चाइनीज़ जो तड़का लगता है ना, वो पसंद है, क्योंकि वो कहते हैं कि सब्जी नॉर्मली जैसे मिर्च मसाले होते हैं वो तो हम सब्जी में खाते ही रहते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ें जो है ऐसे ही बनानी है। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए बढ़िया सा जो है इडली, फ्राइड इडली बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और खाने में, और हेल्दी भी होती है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अनहेल्दी हो। सूजी से बनाया गया है और साथ में सब्जियाँ भी हैं। तो बहुत बढ़िया सा ये टिफ़िन आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, और बच्चे जो है ना पूरा खाली करके आएंगे टिफ़िन बॉक्स। तो बस यहाँ पे जो है, आज खुशी ने बोला कि मैं सब्जी रोटी लेके नहीं जाऊँगी, तो बस रात से ही मैंने इसकी तैयारी कर ली थी, और बहुत ही आसानी से जो है सुबह के टाइम पे ये बन गया था। बस जस्ट मुझे जो है इसको फ्राइड करने में जो है मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगा है बनाने में, और साथ में मैंने मैंगो भी रख दिए हैं। अब जो है लग गई हूँ अपने घर के कामों पर। तो बस आज जो है ना, दोनों कमरों की और एक जो हमारे लिविंग रूम में जो दीवान बेड है ना, उसकी जो सबकी मतलब बेडशीट मैं चेंज करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे जो है अब समेटने का काम होगा, तो जितने भी ओढ़ने वाले होते हैं इनको समेट के, इनको तय मार के रखूँगी एक साइड, और जो है अपने कामों को करूँगी। तो आप सबके कमेंट्स आ रहे थे वैसो के लिए, तो वैसो के हाथ पे जो है ना उसकी रिपोर्ट का भी पूछा था एक फ्रेंड ने कि क्या रिपोर्ट में क्या आया है, तो फ्रैक्चर आया है, जैसे एक बाल की तरह जो होता है ना वैसा फ्रैक्चर आया है। तो बस उसमें जो है अभी जो कच्चा प्लास्टर लगा हुआ है, और एक हफ्ते बाद यानी कि मंडे को जो है पक्का प्लास्टर लगेगा। लगभग मतलब अब स्कूल जो है 1 महीने की उसकी छुट्टी हो चुकी है, मतलब अब तो जो है वो सीधा जब नेक्स्ट मतलब जुलाई मैं खुलते हैं स्कूल, शायद मुझे लगता है कि तभी जाएगी, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद तो छुट्टियां पड़ ही जाएंगी स्कूल की। तो चलिए जी, यहाँ पे अपने कामों को कर लेते हैं शुरुआत। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को जो है धोने के लिए डाल दिया है बाहर, और अब जो है बेड की जो है मैंने हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर दी है। तो डस्टिंग तो जो है रोज़ ही अब करनी पड़ती है, सर्दियों के टाइम पे ये होता है कि एक एक दो दो दिन जो है चल जाता है, लेकिन अब गर्मियाँ हैं ना, तो बस इतनी धूल आती है कि बस एक दिन भी जो है आप ना करो तो बिल्कुल भी काम नहीं चलता है। तो बस डेली ही जो है ना ये डस्टिंग हमें करनी ही पड़ती है। तो चलिए जी, यहाँ पर जो बेडशीट उतारी थी इसको मैं रख के आऊँगी बाहर। ठंडा है, मैं कहूँ कि पानी का टेस्ट आ रहा है। ठंडा भी है। मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर जितना पानी चाहिए उतना ही लेना, फिर फेंक देते हैं सब लोग। हाँ सही बात है, नो पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए।
तो मटके का या घड़े का पानी जो होता है हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ में अगर पानी में कुछ गंदगी वगैरह है तो उसको भी ये एग्जॉर्ब कर लेता है, मतलब आपके पानी को एकदम फिल्टर की तरह जो है प्योर कर देता है और हेल्थ के लिए अच्छा है ही। तो आप भी ज़रूर लेके आए अपने घर में इस गर्मी में। तो हमारे घर में वैसे भी बच्चे और हम जो है कोई भी फ्रिज का पानी नहीं पीता है, और काफ़ी सालों से जब से ये कोरोना आया है ना तब से जो है बच्चों ने भी फ्रिज का पानी पीना छोड़ दिया है। तो बस मटके का पानी जो है हर बारी जो है गर्मी में एक नया मटका आ जाता है, और पुराना मटका होता है ना वो इतना ज़्यादा पानी ठंडा नहीं करता, इसलिए जो है हर गर्मी में नया मटका लेके आ जाते हैं। तो ये वाला जो मटका है ना हम 200 रुपये का लेके आए हैं, और ऐसे ही मुझे गोल में चाहिए था तो इसलिए जो है ये गोल में आया है, थोड़ा सा ना गाँव वाली जो फीलिंग आती है ना वो। तो चलिए जी, नहाने के बाद जो है काफ़ी सारे पूजा पाठ नाश्ता वगैरह सारा कुछ हो चुका है, तो बस अब मैंने जो बेडशीट वगैरह हटाई थी तो इस समय जो है सारे बेड पे जो है बेडशीट भी डाल दी है एक एक करके, और जो है इस तरीके से पूरा घर मतलब जब तक बेडशीट और बेड अच्छे से ऑर्गेनाइज ना हो तो घर ऑर्गेनाइज सा नहीं लगता ना, तो बस यहाँ पे जो है सारे बेडों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके पूरे घर को ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो साथ ही जो है यहाँ पे कपड़े भी धुल चुके हैं, बेडशीट वगैरह और कुछ रेगुलर कपड़े थे, तो बस इनको भी छत पे डाल के आऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं ना वीडियो का एंड करने वाली थी, लेकिन जस्ट मैं अभी बैठ के ना आप सबके कमेंट्स रीड कर रही थी पिछली वीडियो पे, तो उसमें आप सब ने जो है वैसु की जो हाथ में फ्रैक्चर आया है, एक फ्रेंड ने पूछा है कि वैसु के हाथ में क्या हुआ है, मतलब एक्सरे में क्या रिपोर्ट आई है। तो उसके हाथ में ना जैसे बाल के जैसे होता है ना वो इतना जो है बारीक सा एक फ्रैक्चर आया है, तो जिसकी वजह से जो है उसके हाथ पे अभी तो कच्चा प्लास्टर है और सोमवार को जाके जो है पक्का प्लास्टर चढ़ जाएगा। तो ये है, और आप सब ने बहुत सारी वैसों को ब्लेसिंग दी है कि जल्दी ठीक हो जाए ये सब, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आप सबसे जुड़ के, मतलब कितनी चिंता करते हो आप सब ना, तो थैंक यू सो मच। और जो यहाँ पे मेरा नया वाला ट्राईपोड है इसके बारे में भी क्वेश्चन आया है, एक सिस्टर ने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में बताना। तो ये जो ट्राईपोड है ना ये मुझे 500 का पड़ा है और ये काफ़ी अच्छा है, इस पर जो यहाँ पे ना हम इस पर जो है यहाँ पे फ़ोन लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। वैसे जैसे एक सेल्फी स्टिक होती है ना उस टाइप का भी वो बता रहे थे वहाँ पे, और उस पर ना वो रिंग लाइट भी लगी हुई थी, वो 1600 को के आसपास का वो बता रहे थे। लेकिन उसमें क्या था ना, जैसे कि इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैमरा लगाते हैं ना फ़ोन लगाते हैं तो इसको ऐसे या फिर किधर को भी हम रोटेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उसको वो मतलब एक ही जगह में फिक्स था, उसको नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से जो है मैंने उसको नहीं लिया, क्योंकि वो फिर वो मेरे किसी काम का नहीं था, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा कभी नीचे को कभी ऊपर को ऐसे घुमाना पड़ता है तब जाके वीडियो शूट करती हूँ। तो चलिए जी, आप मेरे बहुत से फ्रेंड्स जो है कमेंट करते हैं तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करूँगी, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना खूब सारा ख्याल तो आपको रखना ही है। बाय बाय। Okay.